हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। मैं आज आपको ICSE बोर्ड क्लास 9th का एक्सरसाइज नंबर 2.2 का आपका क्वेश्चन नंबर 21 बता रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21 बोलता क्या है कि क्वेश्चन नंबर 21 बोलता है आपका असर्टन सम अमाउंट्स टू 5,292 इंटू ईयर्स, मतलब कोई निश्चित राशि दो सालों में, ठीक है, कुछ निश्चित राशि का दो सालों में जो अमाउंट हो जाता है वो 5,292 रुपये हो जाता है। ठीक है, फिर वही आपका निश्चित राशि आपका तीन सालों में 5,556.60 रुपया हो जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट के दर से। तो आपको फाइंड करना है यहाँ पे, फाइंड द रेट एंड सम, मतलब कि आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट और सम फाइंड कर लेना है कि ये जो आपका किसी सम जो दिया हुआ सर्टन सम, इसे फाइंड कर लेना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपका प्रिंसिपल दे रखा है 5,292। यहाँ पे मैंने 5,292 प्रिंसिपल को क्यों माना, तो आपको पता होगा कि सेकेंड ईयर का जो अमाउंट होता है वो आपका थर्ड ईयर का प्रिंसिपल बन जाता है। तो सेकेंड ईयर का अमाउंट हम लोगों को कितना दे रखा था, 5,292, तो ये आपका थर्ड ईयर का प्रिंसिपल बन गया कितना, 5,292। अमाउंट हम लोग को तीसरे साल का दे रखा है 5,556.60। ठीक है, और टाइम हम लोग को क्या लेना है, वन ईयर लेना है, और रेट आपको निकालना है, तो हम लोग रेट को आर मान लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, आगे आगे हम लोगों को करना है कि यहाँ पे हम लोग अमाउंट का फॉर्मूला को फॉलो करना है। अमाउंट का फॉर्मूला को मैंने पहले भी बता रखा है, आप लोग जानते हैं। तो देखिए यहाँ पे अमाउंट हम लोग को क्या देखा दे रखा था, 5,556.60 अमाउंट दे रखा था और प्रिंसिपल दे रखा था 5,292। ठीक है, अब हम लोग क्या करना है कि जो अमाउंट दे रखा है उसे प्रिंसिपल से हम लोग को डिवाइड दे देना है। अमाउंट को हम लोगों ने यहाँ पे प्रिंसिपल से डिवाइड दे दिया, कुछ इस प्रकार से आ गया। आप देखिए यहाँ पे कुछ इस प्रकार से बच गया, मतलब 1 + R / 100 बच गया। जब यहाँ पे ए बच गया तो अब हम लोग क्या करना है, ये जो आपका वन दिया हुआ इधर ला करके माइनस कर देना। देखिए माइनस में आ गया हम लोग को, ठीक है, वन माइनस में आ गया। उसके बाद क्या करना है हम लोगों को कि वन का नीचे कुछ नहीं है, तो क्या हम लोग को समझ लेना है कि यहाँ पे वन रहता है। ठीक है, अब क्या करना है, 5,292 और वन का एलसीएम लेना है, तो इसका क्या एलसीएम क्या हो जाएगा, 5,292 हो जाएगा। जब जानते हैं कि आप दोनों का एलसीएम लेते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं क्रॉस में। ठीक है, तो क्रॉस में मल्टीप्लाई करने पे आपका यहाँ पे ये आ गया, मतलब कि 5,556.60 माइनस 5,292 आ गया। अब जब दोनों को माइनस कर दीजिएगा तो आपका आ जाएगा 264.60, ठीक है, बाय में आपका 5,292। आप माइनस करने का तरीका मैंने यहाँ पे दिखा रखा है, और आपका यहाँ पे बच जाएगा आर बाय 100। ठीक है, इक्वल टू में। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग को क्या करना है, नेक्स्ट हम लोग को करना है कि अब इसे क्रॉस में मल्टीप्लाई कर लेना है। किसे, इसे क्रॉस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो क्रॉस में मल्टीप्लाई कर लेंगे के साथ आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा 5,292 एंड आपका 264 × 60 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 100। ठीक है, जब आप इसे कर लीजिएगा तो देखिए आप जब यहाँ पे कीजिएगा 264 × 60 को 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो ये बन जाएगा 26,460। ठीक है, अब इसे क्या करेंगे हम लोग, 5,292 से डिवाइड दे देंगे। जब 5,292 से आप जब डिवाइड दे दीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5%। ठीक है, अब यहाँ पे 5% आ गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग का फाइंड हो गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करने के बाद हम लोग को फाइंड क्या करना है, सम को फाइंड करना है। सम हम लोग को पता है क्या मान लेंगे हम लोग, पी, ठीक, पता तो नहीं है हम लोग को, सम को हम लोग क्या मान लेंगे, पी मान लेंगे। जब हम लोग सम को पी मान लेंगे तो देखिए यहाँ पे अमाउंट आपका हो जाएगा 5,292 फिफ्टी सेकेंड ईयर के अंत में, तो अमाउंट ये था मेरा, टाइम आपका 2 ईयर्स था और रेट आपका 5% हम लोगों ने निकाल लिया था। ठीक है, जब लोग रेट पे निकल गया फाइनल, तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ भी हम लोग अमाउंट के फॉर्मूला को फॉलो करेंगे। अमाउंट हम लोग का सेकंड ईयर का क्या था, 5,292 था। प्रिंसिपल हम लोग को पता नहीं था क्योंकि प्रिंसिपल को फाइंड करना, रेट हम लोग को पता होगी क्योंकि हम लोगों ने अभी निकाल लिया, तो क्या था 5 से इसे कैंसिल कर देंगे तो वो 20 हो जाएगा। ठीक है, तो 20 हो जाने के बाद आप 100 को कैंसिल करने क्या आएगा, 20 आ जाएगा। अब 20 आ गया, अब क्या करना है हम लोग को, ये देखिए 20 और 1 का एलसीएम ले लेना, 20 आएगा, फिर इसे क्रॉस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20+1 आ जाएगा। जब 20+1 आ जाएगा आपका, तो क्या करना है, ये दोनों को जोड़ देना है, तो क्या हो जाएगा, 21/20 हो जाएगा। अब क्या करना है, इसे हम लोग को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेना है। हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर लिया, तो 21 × 21 को मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाएगा आपका, 441 आ जाएगा, और 20 × 20 को मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा। ठीक है, अब इसे हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस में मल्टीप्लाई करने पर आपका कुछ इस प्रकार से आ जाता है। ठीक है, तब देखिए यहाँ पे आप डायरेक्ट अगर 441 से आपको डिवाइड दे दीजिए आपका 5,292 को, तो आपका आ जाएगा 12 को आप 400 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा 4,800। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए द ओरिजिनल सम आपका कितना हो गया, 4,800 हो गया, एंड आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपका कितना हो गया, 5% हो गया। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। अब देखिए आप लोग 20
22 नंबर क्वेश्चन, 22 नंबर क्वेश्चन क्या है, ठीक है, अ सर्टन सम अमाउंट्स टू 798.60 आफ्टर 3 इयर्स, मतलब कि क्वेश्चन बोलता है कि कोई निश्चित राशि, मान ली टी है जो आपका 3 साल में जो अमाउंट्स हो जाता है उसका कितना हो जाता है, 798.60 हो जाता है, ठीक है। एंड फिर आगे बोलता है 878.46 आफ्टर 4 इयर्स, मतलब कि आपका 4 सालों में वही आपका कोई निश्चित सम आपका 4 सालों में कितना हो जाता है, 878.46, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको क्या फाइंड करना है, इंटरेस्ट फाइंड करना है और सम को फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग इंटरेस्ट को मान लेंगे यार, ठीक है। और यहाँ पे हम मैंने यहाँ पे आप लोगों को लिख के दिखा दिया है कि जो आपका तीसरे साल का अमाउंट्स होगा वो चौथा ईयर का प्रिंसिपल हो जाए, क्या होगा, तीसरे साल का जो अमाउंट होगा वो फोर्थ ईयर का आपका प्रिंसिपल बन जाएगा, ठीक है। तो तीसरे साल का यहाँ पे क्या है आपका अमाउंट, वो क्या हो गया, चौथे साल का आपका प्रिंसिपल बन गया कितना, 798.60 फोर थर्ड ईयर, ठीक है, मतलब कि फोर आप यहाँ पे फोर्थ ईयर होगा जो प्रिंसिपल बन रहा है। और यहाँ पे अमाउंट जो था आफ्टर फोर इयर्स वो कितना है आपका दे रखा है 4%, यहाँ पे मेरा थोड़ा सा मिस्टेक है, आप यहाँ पे कर दीजिएगा, ये फोर्थ ईयर्स का प्रिंसिपल है, फोर्थ ईयर का प्रिंसिपल है आपका, ठीक है। अब देखिए आगे क्या करना है, आपका रेट हम लोग को पता नहीं था, 8% मान लिया। अब हम लोग क्या करेंगे कि आपका अमाउंट का फॉर्मूला को फॉलो करेंगे, अमाउंट का फॉर्मूला आप लोग को पता है, जैसा कि अमाउंट का फॉर्मूला ए, अमाउंट हम लोग का दे रखा है 878.46 और प्रिंसिपल हम लोग का दे रखा है 798.60। रेट हम लोग को फाइंड करना है, टाइम हम लोग को मान लेना है, ठीक है। जस्ट अब हम लोग क्या करेंगे कि अमाउंट को प्रिंसिपल से डिवाइड दे देंगे, तो अमाउंट से प्रिंसिपल को यहाँ पे डिवाइड दे देंगे, कुछ इस प्रकार से आ गया। अब यहाँ पे हम लोगों को क्या बच गया, 1+R/100 बच गया, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोगों को करना है कि ये जो आपका 1 है इसे इधर ला करके माइनस कर देना, चलिए ठीक है माइनस कर लेते हैं हम लोग, तो एलसीएम लेके माइनस करना पड़ेगा हम लोग को, तो चलिए हम लोग 798.60 और 1 का एलसीएम लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका क्रॉस में मल्टीप्लाई, तो क्रॉस में मल्टीप्लाई करने पे जो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा वो हो जाएगा आ जाएगा आपका 878.46 माइनस में आपका 798.60, ठीक है। अब जब आप इसे और बाय में आपका रहेगा क्या 798.60 और इक्वल टू के इधर रहेगा आपका आर बाय 100, ठीक है। अब इसे हम लोग क्या करेंगे माइनस कर लेंगे, देखिए मैंने यहाँ पे माइनस करके दिखा दिया, माइनस करने के बाद आपका आ जाएगा 79.86 बाय में आपका 798.60 और आर बाय 100 इक्वल टू के इधर, ठीक है। अब इसे हम लोग क्या करेंगे क्रॉस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्रॉस में मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोगों का कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। तो यहाँ पे एक चीज देखिए, ये भी यहाँ पे भी दो अंक के बाद पॉइंट है और यहाँ पे भी दो अंक के बाद पॉइंट है, तो पॉइंट अब हम लोगों को क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, पॉइंट कैंसिल होने के बाद हम लोग क्या करेंगे 1010 कैंसिल कर देंगे, 1010 कैंसिल कर देने के बाद हम लोगों को क्या बचेगा यहाँ पे, देखिए यहाँ पे बच गया हम लोगों का 7986 × 10, अब बाय में आपका 7986 इसे आपको कट कर देंगे तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, और 1 से अगर 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 को 10 से मल्टीप्लाई करने पर रेट जो हम लोग का फाइंड हो जाएगा वो हो जाएगा 10%, ठीक है। अब हम लोग को करना है क्योंकि यहाँ पे हम लोग का रेट फाइंड हो गया, तब हम लोग को क्या करना है प्रिंसिपल को निकालना है, मतलब सम को निकालना है। तो सम को निकालने के लिए जो आपका पहले अमाउंट दे रखा है 3 इयर्स में वो कितना दे रखा था अमाउंट हम लोग को, अमाउंट दे रखा है हम लोग को 798.6 और टाइम हम लोग का 3 इयर्स दे रखा और 10% हम लोग ने रेट निकाल लिया है। तो फिर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि आपका अमाउंट का फॉर्मूला को फॉलो करेंगे, और अमाउंट का फॉर्मूला को फॉलो करने पर अमाउंट हम लोग कितना दे रखा था 798.60 दे रखा था, और आपका प्रिंसिपल हम लोग को फाइंड करना है, और आपका रेट हम लोग क्या फाइंड कर लिए थे 10 फाइंड कर लिए थे, ठीक है, और टाइम हम लोग का 3 था, तो रेट हम लोग 10 फाइंड कर लिए हैं। अब क्या करेंगे हम लोग, वो यहाँ से 1010 कैंसिल कर देंगे तो आप क्या बच जाएगा 1/10 बच जाएगा, ठीक है। 1/10 बच जाने के बाद इसे हम लोग क्या करेंगे एलसीएम लेकर के इसको कर लेंगे, तो ये कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, जब इसे हम लोग मतलब 10+1/10 आ जाएगा और इसे जब जोड़ लेंगे तो क्या आ जाएगा, ठीक है, 11/10 का क्यूब आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोगों को क्या करना है नेक्स्ट इसी तरह से बढ़ना है, और नेक्स्ट इसी तरह से बढ़ने के बाद इसको हम लोग को 3 times लिख लेना है, 3 times लिख लिए 11/10 × 11/10 × 11/10, ठीक है। अब इसे लिख लेने के बाद हम लोग ने क्या किया 11 × 11 कर दिया था यहाँ हो गया 121 और 10 × 10 कर दिया था यहाँ हो गया 100 और यहाँ पे 11 × 11/10 को ये मैंने इसी तरह से लिख दिया, ठीक है। अब हम लोग इसे क्रॉस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्रॉस में मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए कुछ इस प्रकार से आ जाता है, ठीक है।
अब इस तरह से आ जाने के बाद हम लोग यहाँ पे एक थोड़ा सा इसी से ट्रिक लगाएंगे, क्योंकि ये 100 से अब और हम लोग इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 100 से मल्टीप्लाई पे करने पे क्या होगा कि इसका जो आपका पॉइंट है वो हट जाएगा। तो पॉइंट हम लोग हटा लिए, यहाँ पे आ गया कुछ इस प्रकार से, ठीक है। जब यहाँ पे इस प्रकार से आ गया तो हम लोग इसे क्या करेंगे, 11 से सबसे पहले इसको हम लोग डिवाइड दे देंगे, जो कि मैंने यहाँ पे डिवाइड दे के दिखा रखा है, ठीक है। जब डिवाइड देने पे आपका आ जाएगा 7230, उसके बाद आप क्या करेंगे 121 से भी इसको डिवाइड दे देंगे तो आ जाएगा 60, जो कि मैंने यहीं पे आपको करके दिखा रखा है। देखिए कुछ इस प्रकार से मैंने यहाँ करके दिखा रखा, ठीक है। अब यहाँ पे कर देने के बाद आपको क्या करना है, 60 और 10 को मल्टीप्लाई कर देना, 60 और 10 को मल्टीप्लाई कर देने पे आपको आ जाएगा 600। तो ये जो आपका 600 आया, ये आपका सम निकल करके चला आया, और रेट आप लोग हम लोगों का कितना था, 10%। तो ये आपका हो गया फाइनल आंसर। अब देखिए आप लोग 23 नंबर क्वेश्चन, 23 नंबर क्वेश्चन बोलता है, इन व्हाट टाइम बिल 15625 अमाउंट्स टू 17576 एट 4% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। कहने का मतलब क्वेश्चन का ये है कि आपका 15625 रुपये 4% कंपाउंड इंटरेस्ट के दर से कितने वर्षों में आपका 17576 रुपये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या दे रखा है, सबसे पहली बात दे रखा है हम लोगों को प्रिंसिपल कितना दे रखा है 15625, और अमाउंट दे रखा है हम लोग का 17576, ठीक है। रेट हम लोगों को दे रखा है 4% पर एनम, ठीक है। और आपका टाइम हम लोगों को क्या लेना है, एन मतलब टाइम तो हम लोगों को पता नहीं है, ठीक है। इसके टाइम को हम लोगों को फाइंड करना है, ठीक। अब इस क्वेश्चन को भी बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अमाउंट का फॉर्मूला को फॉलो करेंगे। तो अमाउंट को फॉर्मूला को फॉलो करेंगे तो देखिए आपका अमाउंट दे रखा है 17576 और प्रिंसिपल दे रखा है आपका 15625 और आपका रेट दे रखा है 4%, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, 4 से 100 को कैंसिल कर देंगे तो क्या इतना आ जाएगा आपका 25 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हम लोगों को करना है कि आपका जो अमाउंट है उसे प्रिंसिपल से डिवाइड देना है, ठीक है। मैंने यहाँ पे देख दिखा दिया है। अब हम लोग को यहाँ पे क्या आ गया, 1+1/25, ठीक है। अब इसे हम लोग को क्या करना है, इसका 1 और 25 का एलसीएम ले लेना है। 21 और 25 का एलसीएम लेने के बाद हम लोग क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। तो अब इसे 25 आ गया, जिसे सॉल्यूशन करेंगे क्रॉस में मल्टीप्लाई करके तो क्या हो जाएगा आपको 25+1 हो जाएगा, ठीक है, बाय में आपको 25, ठीक। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। अब हम लोग यहाँ पे इसे जोड़ देंगे 25+1 को, तो ये हो जाएगा आपको 26/25, ठीक है। अब हम लोग को इसे फाइंड करना है, तो इसे फाइंड करने के लिए हम लोगों ने एक चीज ध्यान दीजिए यहाँ पे, ये आपको अगर 26 × 26 कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 676, और 676 को 26 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 17576, जो कि आपका 26 का क्यूब है, ठीक है। अब आपका यहाँ पे करना है 25 × 25 कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 625, और 625 को अगर 25 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 15625, जो कि आपको 25 का क्यूब है, ठीक है। अब देखिए आपका, तो अगर आपका बेस अगर सेम होगा, इक्वल होगा, तो आपका क्या होगा, एन भी इक्वल होगा, मतलब टाइम भी इक्वल होगा, तो आपका कितना हो जाता है, टाइम आपका 3 ईयर्स आंसर यहाँ पे निकल जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोगों का वो है आपका 24 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को क्या बोलता है, इसे हम लोग को समझना है। तो 24 नंबर में 2 क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। 24 में कितने नंबर को कितना क्वेश्चन पूछा है, 24 में 2 क्वेश्चन पूछा है हम लोगों का। तो पहला क्वेश्चन जो है आपका वो है आपका, इन व्हाट टाइम विल 1500 L 496.50 एज ए कंपाउंड इंटरेस्ट एट 10% पर एनम कंपाउंड एनुअली, ठीक है। मतलब कितने समय में 1500 रुपये का कंपाउंड इंटरेस्ट 496.50 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों को यहाँ पे क्या दे रखा है, सबसे पहली बात कि यहाँ प्रिंसिपल दे रखा है और हम लोगों को कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है, क्योंकि यहाँ पे एज ए कंपाउंड इंटरेस्ट लिख रखा है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोग कितना दे रखा है, 496.5 मतलब 496.50 दे रखा है, और आपका रेट दे रखा है 10% पर एनम के हिसाब से, ठीक है। और हम लोग को फाइंड क्या करना है, आपका टाइम फाइंड करना है, जो क्वेश्चन बता रहा है। अब हम लोग के लिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग को प्रिंसिपल दे रखा था, ठीक है, 1500, एंड टाइम हम लोग को निकालना था, और हम लोग को कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा था 496.5, और रेट हम लोग को दे रखा है क्वेश्चन में 10% पर एनम, ठीक है।
देखिए यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोग को दे रखा है, क्या दे रखा है, 496.50, ठीक है। और यहाँ पे अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, P1+R/100, ठीक है, और माइनस में आपका पी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट को बढ़ा दिया, कितना था 496.50, और प्रिंसिपल हम लोग को दे रखा था कितना 1500, ठीक है। और यहाँ पे रेट हम लोग को कितना दे रखा है, 10% दे रखा है, और यहाँ पे प्रिंसिपल फिर हम लोग को यहाँ पूछा है तो माइनस में किया है, तो यहाँ पे 1500 को मैंने यहाँ पे माइनस कर दिया है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे ये जो रेट दे रखा है इसको हम लोग 1 से 10 कैंसिल कर देंगे, 10 10 तो क्या हो जाएगा, 1/10 बच जाएगा, ठीक है, 1/10 बच जाएगा। और ये आपका 1500 है, इसे इधर ला करके ऐड कर देंगे, देखिए यहाँ पे माइनस में था तो यहाँ पे आकर के ऐड हो गया, तो ऐड होने के बाद हो गया 1996.50। अब यहाँ पे आपका इसे कैलकुलेशन कर लिए, 1 और 10 का एलसीएम लिए तो यहाँ 10 आ गया, और इस तरह से क्रॉस में मल्टीप्लाई करने पे क्या हो गया, 10+1 आ गया आपका, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 10+1 आ जाने पे क्या कहेंगे, ये आपका बन गया अमाउंट, और अमाउंट रिप्लेसबल हो गया, ठीक है। अमाउंट और प्रिंसिपल को हम लोग डिवाइड दे दिए, जब डिवाइड दे देने के बाद आपका क्या हो गया कि यहाँ पे 11, 10 और 1 को जोड़ने पर 11/10 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे बोलिएगा मैंने यहाँ पे अमाउंट का नाम लिया, तो अमाउंट क्यों, क्योंकि देखिए आपका अगर हम लोग अमाउंट को निकालते हैं तो क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, तो अमाउंट प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट को यहाँ पे जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल को जोड़ दिए, इसलिए यहाँ पे अमाउंट का मैंने नाम लिया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से ये 2 जीरो को उठा करके यहाँ पे नीचे रख देंगे पॉइंट के बाद, और यहाँ से 1 जीरो कैंसिल कर देंगे, कैंसिल कर देने के बाद हम लोग का कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। इस प्रकार से आने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे जो कि मैंने यहाँ करके दिखा रखा है, और इसका भी हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे जो कि मैंने यहाँ करके दिखा रखा है, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद ये आपका 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, अब क्या बच जाएगा आपका, 3 11 बच जाएगा, मतलब 3 11 पे क्यूब हो जाएगा यहाँ पे, और 10 पे भी क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आपका अगर बेस सेम होता है तो क्या होता है, आपका पावर भी सेम होता है, तो यहाँ पे आपका जो टाइम निकलेगा वो 3 ईयर्स निकल जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया, आशा करता हूँ मैं कि यहाँ आपको यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, और अगर आप लोग को समझ में आ रहा हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है, और सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि साथ में आप बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि आपका जब मैं नेक्स्ट टाइम ये वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अब चलिए 24 का सेकंड नंबर क्वेश्चन को रीड करते हैं, 24 का सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं, क्वेश्चन को रीड करने पर पता चलता है फाइंड द टाइम, टाइम को फाइंड करना है, ठीक है, ये भी पता चल गया फिर भी टाइम पॉइंट में, इन विच 12,500 विल प्रोड्यूस 3,246.40 एज ए कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब कि यहाँ पे भी आपका बोलता है कि आपका जो सम दे रखा है वो 12,500 है, जिसका कंपाउंड इंटरेस्ट आपका क्या हो जाता है, 3,246.40 कितना, 8% के दर से, तो आपका कितने समय में हो जाता है, सबसे पहले यहाँ पे टाइम, मतलब कितने समय में हो जाता है इतना कंपाउंड इंटरेस्ट, कितने समय में हो जाएगा इस चीज़ को फाइंड करना, और रेट कितना है 8%। चलिए हम लोग यहाँ पे पता कर लिए क्या क्या था। अब देखिए हम लोग क्वेश्चन सॉल्यूशन पे आते हैं, सॉल्यूशन पे आने पे क्या होता है, आपका प्रिंसिपल दे रखा था 12,500, कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है हम लोग को 3,246.40, और रेट दे रखा है हम लोग को 8%, टाइम हम लोग को फाइंड करना है। सेम वही प्रोसेस यहाँ पे भी करेंगे, हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला को लगाएंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाने के बाद क्या हो जाता है, कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोग कितना दे रखा था 3,246.40 इक्वल टू में आपका अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, P1+R/100 और माइनस में P, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे भी हम लोगों ने सेम प्रोसेस किया है, ये 1200 को मैंने यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट में ला करके जोड़ दिया है, तो क्या बन जाएगा, अमाउंट बन जाएगा हम लोग को, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोगों को क्या है, प्रिंसिपल बच गया, ठीक है, प्रिंसिपल बच गया, और आपका 8% दे रखा है, तो हम लोगों ने क्या किया, 1 और 100 का एलसीएम लिया, 100 आ गया, और इसे भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके 100+8 बना लिया मैंने हम लोगों ने, ठीक है। यहाँ पे तक, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, मैं ऐसा करता हूँ। अब नेक्स्ट आप लोग क्या करना है, ये दोनों को जोड़ देना है, जोड़ने के बाद आपको यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, ठीक है, और इसका पॉइंट को हम लोग को उड़ा करके नीचे लिख लेना है, 100 आ जाएगा, 1 से 10 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग को कुछ यहाँ पे इस तरह बच जाएगा, और यहाँ पे हम लोग 4 से 6 भी कैंसिल कर देंगे, तो 27 में हो जाएगा, इसे कैंसिल करेंगे 25 में हो जाएगा, ठीक। अब हम लोग को क्या करना है कि सेम इसका भी फैक्टराइजेशन कर लेना, और इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना, मैंने यहाँ पे और यहाँ पे करके दिखा रखा है, ठीक है, आप लोग देख लें। देखने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा गौर कीजिए, तो मैंने यहाँ पे 2 पे पावर क्यूब लिखा है और 3 पे पावर 9 लिखा है, ठीक है। तो 2 पे पावर क्यूब लिखने का कारण ये है कि यहाँ देखिए 3 टाइम्स क्यूब आया है, ठीक है, देखिए 1 2 3 3 टाइम्स क्यूब आया है, और आपका जो 3 पे पावर 9 रखा है वो मैंने 3 9 टाइम्स आया है, जैसे 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स 5 टाइम्स 6 टाइम्स 7 टाइम 8 टाइम 9 टाइम, तो यहाँ पे मैंने 9 दे रखा है, ठीक है।
अब नेक्स्ट आपका देखिए उसी तरह से नीचे भी है आपका, तो नीचे भी आपका 2 पावर 3 का रखा है, जो कि यहाँ पे 2 पावर 3 टाइम्स आया है 2, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 2 पावर 3 दे रखा है, और आपका 5 पावर 6 दे रखा है, तो यहाँ पे देखिए आपका 5 भी 6 टाइम्स आया हुआ, ठीक। अब देखिए इस तरह से आ जाने के बाद हम लोगों को क्या करना है, ये तो कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद आप देखिए यहाँ पे 27 मैंने लिखा और यहाँ पे मैंने 25 लिखा। मैंने इस तरह क्यों लिखा, तो देखिए 3 × 3 × 3 कीजिएगा तो 3 3 बन करके आपका 27 बन जाता है, तो 9 3 बन करके क्या बन जाएगा, 27 पे पावर में क्यूब बन जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पे 5 को मैंने 6 दे रखा है, तो 5 का भी क्या हो जाएगा, 2 5 मिल करके आपका कितना बना देता है, 25 बना देता है, इसलिए आपका 6 बार में आपका 25 का क्यूब बना देगा, ठीक है। तो अब क्या हुआ, यहाँ पे भी एन हम लोगों को कितना फाइंड हो गया, 3 फाइंड हो गया, तो यहाँ पे भी आपका जो टाइम होगा वो 3 ईयर सेफ होगा।